वो कह रहा है कि हम MOU के तहत अपने पार्षद विनोद अग्रवाल जी वो कहते हैं कि मैं अपनी संस्था बनवा के दो संस्थाओं ने बनवा ली है या बन ली है तो वो कह के हमारे यहाँ देते हैं अपनी आप हमारे को वोटें डालना और मैं आपको यहाँ पे सरकारी काम पे रखूंगा। यू के तहत किसी संस्था के पास जाएगा वो तो अपने मुलाजिम रखेगा। देख रहे विजय केसिनो जिस वक्त हम खड़े हैं मनी माजरा में जहाँ पर वह हम आपको बता दें कि सुलभ शौचालय का एक मुद्दा सामने आया है जहाँ पर ये बात सामने आई है कि कुछ जो वर्कर हैं वहाँ पे उनको कब्जा करने की बात आ रही है यानी कि ठेकेदारी चेंज करने की बात आ रही है। उन्होंने ये बताया कि लोकल पार्षद यहाँ पे मनी माजा के जितने भी सुलभ टॉयलेट हैं उनको अपने कब्जे में लेकर DC रेट छुड़वाना चाहता है और अपने बंदों को लगाने जैसी बातें कही जा रही हैं। वहीं हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सारा मुद्दा और क्या दिक्कत परेशानी आ रही है। जो मेरे पीछे भीड़ है आपको मैं साझा कर दूं कि इस भीड़ का कहना है इन लोगों का कहना है कि ये सुलभ कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका एक ही डिमांड है कि इसको ठेकेदारी प्रथा को बंद की जाए और इस चीज़ को दिक्कत परेशानी में डाला जाए क्योंकि लगातार DC रेट भी पहले से अपेक्षा देखा जाए तो इस महंगाई में पूरा नहीं पड़ता। वहीं जब यह ठेकेदारी में चली जाएगी तो कहीं ना कहीं पैसे की कमी भी देखने को मिल सकती है। क्या है सारा मामला वो भी हम जान लेते हैं। जनाब क्या आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बताइए। ऐसा है जी हमारे यहाँ 25 और 26 वार्ड नंबर में कई टॉयलेट चल रहे हैं जिसमें हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं जो कि DC रेट पे काम करते हैं और हमारा साल भर साल कॉन्ट्रैक्ट हमारा अलग भी होता है, कोई दूसरा लेता है, कभी दूसरा लेता है, तो हमारा बड़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। और कोरोना काल में भी हमारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और उन्होंने सारे जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब उसमें सर्वे करवाया तब भी हमारा सभी मुलाजमों को बड़े अच्छे तरीके से इनाम भी मिले हैं। इनाम के तौर पर अब जो पार्षद हमारे साथ कर रहा है वो कह रहा है कि हम MOU के तहत अपने पार्षद विनोद अग्रवाल जी वो कहते हैं कि मैं अपनी संस्था बनवा के दो संस्थाओं ने बनवा ली है या बन ली है तो वो कह के हमारे यहाँ देते हैं अपने SDO साहब को लिखते हैं कि मैं ये टॉयलेट सारे मैं लूँगा और गवर्नमेंट मेरे को 30,000 रुपये देगी जिस कारण हमारा जो मुलाजम यहाँ लगा हुआ है वो सारा बेचारा बेरोजगार हो जाएगा और उनके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। तो हम अगर वो ठेका ले भी लेते हैं तो कोई ना कोई कर्मचारी उनको सफाई के लिए ODF के लिए रखना पड़ेगा। ऐसा है जी हमारे जो कर्मचारी हैं वो DC रेट पे चल रहे हैं। जब MOU के तहत किसी संस्था के पास जाएगा वो तो अपने मुलाजिम रखेगा और उसने मुलाजिम कैसे रखने हैं वो सभी को पता है। वो 5,000-3,000 रुपये मुलाजिम रखेगा जिसका कि उनको उन्होंने पहले तय कर रखा है। उन्होंने अपने मुलाजिमों को ये भी कह रखा है कि आप हमारे को वोटें डालना और मैं आपको यहाँ पे सरकारी काम पे रखूँगा। तो हमें ये विनोद जिससे पहले तो अपील है हमारी आपको कैसे जानकारी कि ये जो काम है ये जो ठेका है वो विनोद अग्रवाल ले रहे हैं। हमने उनका लेटर पैड मैंने अपने डिवीज़न में सेक्टर 11 में से डिवीज़न से निकाला है हमने वहाँ पे उनका लेटर पैड निकला है और उनके जो संस्था दे रही है उनको उनके लेटर पैड भी हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास सारे जो कागज आए हैं तो डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि ये जो शौचालय ऐसे चलने दें हमारे मुलाजम DC रेट पे काम कर रहे हैं और उनको ऐसे ही चलने दें और ये जो करेगा जो आके जब अपनी मनमानी करेंगे तो हमें पता है ये अपने मुलाजम रखेगा वो भी बेचारे 2-3 हज़ार रुपये में। ये संशय है कि चलो वो अपने मुलाजिम रखेगा। आप लगातार ये कह रहे हैं कि साल भर साल सुपरवाइजरी चेंज होती है ठेका चेंज होता है लेकिन रेट वहीं के वहीं रहते हैं तो इस बार भी अगर ठेका चेंज हो जाता है तो क्या लगता है आपको कि रेट वहाँ नहीं रहेंगे? ऐसा है जी यदि वो कॉन्ट्रैक्ट ठेका लेता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी। आज भी वो ठेका ले ले जैसे हमारी यहाँ पे प्रोसेस है नगर निगम का उसके तहत तो हमारा ठेका ले हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप वो मतलब जैसा मर्जी काम करें आपत्ति हमें इस बात से है जैसे वो संस्था बना के चोर रास्ते से आ रहे हैं वो आपत्ति हमें चोर रास्ते से वो क्या करेंगे सभी को पता है। वो हमारे मुलाजम जो DC रेट पे काम कर रहे हैं उनको वो हटा के वो अपने 4-5 हज़ार रुपये वाले मुलाजम रखेगा जिसको बेचारे पहले ही आज कोरोना काल में काम नहीं मिल रहा और लोग ऐसे भागे फिर रहे हैं और वो उनको रख के उनका भी शोषण करेगा। हम चाहते हैं ऐसा शोषण ना हो हमारे जो मुलाजम लगे हैं उनको लगे रहना चाहिए। हमें इसकी आपत्ति कोई नहीं है कि वो ठेका लेना चाहता है ले ले वो व्यापारी आदमी है ठेका ले सकता है उसको लेना भी चाहिए और ले ले हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर आप लोग यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं? हमारे यहाँ शौचालय वाले सभी लोग मौजूद हैं और हमारी यूनियन MC वर्कर यूनियन मनी माजरा। आगे आप इसमें क्या चाहते हैं किसको कोई ज्ञापन वगैरह कुछ देना चाहते हैं? आज हम अपने SDO साहब को और एक्शन साहब को और चीफ साहब को ये देंगे मेमोरेंडम देंगे
कि जिससे कि हमारी जो हमारी डिमांड है वो मानी जाए, नहीं तो हमारा आज तय हो चुका है कि हम यहाँ लगातार लड़ीवार भूख हड़ताल रखेंगे। एमसी वर्कर यूनियन इसके पीछे लड़ेगी, जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। यदि वो मसला हल हो जाए, हमारे पार्षद विनोद जी ये चाहते हैं तो हमें बैठ के बात कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें अपने मुलाजिम चाहिए, वो अपना अपना काम देखे, हम अपने मुलाजिम देखें, हमें हमारी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो काम एज इट इज चल रहा है चलने दे, हमारे बीच में ना आए। यदि ऐसा चला तो हम चुप नहीं बैठेंगे, अपना संघर्ष करते रहेंगे करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की दीवार पे कहीं ना कहीं एक बार फिर छेद होता नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि जो एमसी वर्कर यूनियन की बात चल रही है, लगातार ठेके प्रथा की बात कर रही है, बात की जाए ओडीएफ की या फिर स्वच्छता की, कहीं ना कहीं वो मुद्दा सुलभ से जरूर जुड़ा होता है, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट एक ऐसी अहम जगह है जहाँ पर हर मार्केट में इसको खोला जाता है, चाहे मोबाइल टॉयलेट की बात हो चाहे पब्लिक टॉयलेट की बात हो, जहाँ पर ये वर्कर्स लगातार काम करते हैं। पर रही बात अब इस चीज़ की कि जो इनका कहना है कि विनोद अग्रवाल जो यहाँ के पार्षद हैं वो संस्था बना के चोर रास्ते के माध्यम से आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना करके अगर वो ठेका लेके अगर ये काम करते हैं तो वो चल जाएगा, लेकिन जो चोर रास्ता उन्होंने अपनाया उस पर इन्होंने आपत्ति जताई है। अब तक के लिए इतना ही, जो भी अपडेट होगी हम आपकी जरूर साझा करें।